हेलो दोस्तों, जाबे ट्रैक्टर वर्कशॉप में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे सराज 44 का हमने गियर बॉक्स खोला था, तो इसमें कौन सा वजह है किस लिए हमने खोला था, उसमें खोला था ये भाई यहाँ पे जो है इसका बैरिंग टूट दिया था। यहाँ पे देखिए PTO वाला गियर नचाता है, यानी 540 का जो RPM देता है। यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे ये वाला जो है बैरिंग हमारा तोड़ दिया था। तो इसमें दोस्तों जो कंपनी लगाती है इसमें लोअर बैरिंग लगाती है, तो इसे हमें निकालना है, नहीं दूसरा बैरिंग लगाना है। कभी भी जब अगर ये आपका बैरिंग लगा हुआ है, जब भी आपका बैरिंग फोड़ेगा यानी फूटेगा, तो ये जो प्लेट होता है फूट जाता है। अभी देखिए प्लेट जो है दग जाता है, ये भी हमने जुड़ा दिया था बिल्डिंग से, तो फिर नया लाया है इसको। यहाँ पे आप देखिए ये वाला प्लेट नया लाए हैं हम। तो आप इसमें कौन सा बैरिंग लगाएं, क्योंकि कभी अगर आपका बैरिंग फूटे तो ये प्लेट ना टूटे। यहाँ पे जो है प्लेट देखिए टूट चुका है, यहाँ पे वेल्डिंग कराया है हमने। तो आपको कौन सा बैरिंग लगाना है, ये क्योंकि ये लोअर बैरिंग होता है, छर्रा ऐसा लंबा वाला रहता है, तो जो कभी भी तोड़ेगा तो जो स्टापट है ये वाला, जो स्टापट है बाहर की तरफ जब भागता है तो ये प्लेट इसको दाग देता है, यानी फोड़ देता है। यहाँ पे जब टकराता है तो प्लेट दाग देता है। तो हमें कौन सा बैरिंग लगाना है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला गोल छर्रे का बैरिंग लगाना है। यहाँ पे देखिए इसका नंबर आपको हम बता दे रहे हैं, 6306 इसको बैरिंग लगाना है। 6306 लगाएंगे तो आपका बैरिंग जो फूट, यानी जब जाला टूट जाए तब भी आपका चलता रहेगा, और जो है प्लेट है ये कभी नहीं टूटेगा। जो प्लेट है जब तक साफ इधर भागेगा नहीं, तो आपका प्लेट जो टूटेगा नहीं। जो लोअर बैरिंग होता है, अगर जैसे बैरिंग फोड़ता है जैसे बाहर साफड़ भागता है, तो ये प्लेट जो है टूट जाता है। तो आप ये वाला बैरिंग लगाएं, ये वाला देख सकते हैं 6306। तो आप अगर इसको लगाएंगे तो आपका जो है कभी भी ये प्लेट जो ऐसे ये प्लेट लगता कभी फूटेगा नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।